दोस्तों आदिपुरुष के मेकर्स ने खेली एक नई चाल। दरअसल आपको बहुत जल्द इसका सेकंड टीजर भी देखने को मिलने वाला है और ये टीजर आपको प्रवास के बर्थडे वाले दिन देखने को मिल सकता है। और जब इसका पहला टीजर आया था तो लोगों को वो खराब वीएफएक्स की वजह से बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और दूसरी तरफ ये फिल्म कॉन्ट्रोवर्सी में भी घेरती हुई नजर आई थी। और मैं आपको बता दूं आदिपुरुष एक बहुत बड़ी फिल्म है जो कि इसके अंदर 500 करोड़ रुपए मेकर्स ने लगाए हैं, तो कहीं से भी इसके मेकर्स ये नहीं चाहेंगे कि ये फिल्म ऐसी बेकार हो जाए और फ्लॉप हो जाए। इसको बचाने के लिए मेकर्स ने ये डिसीजन लिया है कि इसका सेकंड टीजर भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाला है। और ओम राउत ने पहले ही बता दिया था कि प्रभास के बर्थडे वाले दिन हम एक बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं जो कि लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। ये तो कंफर्म हो गया कि इसका सेकंड टीजर आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है और एक अच्छे वीएफएक्स के साथ देखने को मिलने वाला है जो कि लोग इसके नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव में ले जाए। और जैसा कि आप सभी को पता ही होगा 24 अक्टूबर को दीपावली और 23 को ही प्रभास का बर्थडे आता है, तो इससे अच्छा मेकर्स को मौका नहीं मिलेगा अपने टीजर को या ट्रेलर को लॉन्च करने के लिए। चीज लोगों के लिए भी काफी अच्छा होगा क्योंकि इस फिल्म को लेकर काफी नेगेटिविटी मार्केट के अंदर फैल चुकी है और सेकंड टीजर आने के बाद लोगों के अंदर थोड़ा बहुत तो रिस्पॉन्स अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये था आदिपुरुष की तरफ से एक और नया अपडेट। आपको ये अपडेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और आप इसके ट्रेलर को लेकर कितना एक्साइटेड है ये भी चीज कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक टेक केयर, गुड बाय।